फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि प्लास्टिक की बोतल पे टिक पाच आर्ट किस तरह करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको चाहिए प्लास्टिक की बोतल, स्टिकर रिमूव कर दें, यह मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस लिया है और मैं इसमें अब थोड़ा सा ग्लू मिक्स करूंगी। और थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है ताकि सही से स्मूथ मिक्सचर बन जाए। मिक्सचर की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम पूरी बोतल पे ये मिक्सचर लगा देंगे। ये मिक्सचर प्राइमर जैसा ही वर्क करता है और वैसा ही इफेक्ट देता है। अब हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब ये ड्राई हो चुका है पूरी तरह। यहाँ मैंने प्रिंटेड पेपर लिया है, आप चाहें तो टिक पाच नैपकिन का भी यूज कर सकते हैं। इसे हाथों से फाड़ना है। टिकअप पाच पेपर को अब हम ग्लू और वाटर की हेल्प से इस बॉटल पे लगाएंगे। 1:1 रेशियो में हमें ग्लू एंड वाटर मिक्स करके लगाना है।
यहाँ पे मैं एमराल्ड क्रीम कलर का यूज कर रही हूँ। रस्टिक लुक देगा, इसीलिए हम बर्न्ड अंबर कलर यूज करेंगे इसको रस्टिक इफेक्ट देने के लिए। पांच वर्क हो गया है प्लास्टिक बॉटल पे। अब हम इसे और ब्यूटीफाई करने के लिए इस लेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लेस को आप ग्लू की हेल्प से हटा दें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।